फंड हम करने का काम करें। और कोयले की कमी को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम, जी हां हरियाणा में नहीं है कोयले की कमी। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हरियाणा में कोयले की कमी नहीं है, हरियाणा में 22 दिनों का कोयला बाकी है। जी हां हरियाणा में 22 दिनों का कोयला अभी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोयले की कमी को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत, ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर काफी सीमित घंटों या फिर सीमित कुछ दिनों तक का ही कोयला जो है वो बचा हुआ है। ऐसे में आपको जानकारी दे कि डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर जिक्र किया कि हरियाणा में कोई भी कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल में पड़ा है और मानसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिनों में जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहेगा। इलाहाबाद उपचुनाव पर बोले दुष्यंत, जी हां जनता का विश्वास, जीतने वाला जीतेगा, गठबंधन की बहुमत से होगी जीत, सभी दल ही जीत का दावा कर रहे हैं, दुष्यंत ने ऐसा जिक्र किया। जी हां डिप्टी सीएम ने उपचुनाव को लेकर वो कहा है कि जो जनता का विश्वास जीतेगा वही ये चुनाव जीतेगा। इलाहाबाद उपचुनाव पर बोले हैं डिप्टी सीएम, जनता का विश्वास, जीतने वाला जीतेगा ये उपचुनाव, गठबंधन की बहुमत से होगी जीत, जी हां गठबंधन की बहुमत से होगी जीत, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया, सभी दल ही जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर जो जनता का विश्वास जीत पाया है या फिर जनता का विश्वास जीतेगा वही यह उपचुनाव भी जीतेगा। हुड्डा भी दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है, एनएलडी भी यही कर रही है, गठबंधन भी यही कर रहा है। मेरे तो इलाहाबाद की जनता का विश्वास जो जीत पाएगा 30 तारीख तक जीत तो उसकी हो, पर हम ये विश्वास रखते हैं कि सब मिलकर जिस मेहनत लगन के साथ काम कर रहे हैं और जो आज के हालात है गठबंधन उसके अंदर भारी बहुमत लेने का काम करेगा। दावा तो कांग्रेस भी यही कर रही है।